हेलो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और हमने अभी तक पढ़ा कि 114 एलिमेंट्स को किस तरह से अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके हमने ये भी पढ़ा कि सबसे पहले डॉबराइनर ने एक क्लासिफिकेशन का मेथड निकाला था जिसे डॉबराइनर ट्रायर कहते हैं एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड जे आर न्यूलैंड इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक मैथड निकाला जिसे न्यूलेंट्स ऑक्टेव कहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि न्यूलेंट ने सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया जिसका मास सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा फिर सेकेंड नंबर का थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड सो ऑन उन्होंने नोटिस किया कि जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करते हैं तो हर एट एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर हो जाती है सो देवो दिस इज नोन एज द न्यूल लॉ ऑफ ऑक्टेवस तो अगर हम यहाँ देखें लॉ ऑफ ऑक्टेव ये कहता है कि अगर आप सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज करें तो एवरी एर्थ एलिमेंट हैड केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट इसीलिए इसे, इसे न्यूलेंड लॉफ ऑक्टेव कहा जाता है उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे तो न्यूलेंड ने इन 56 एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स पे अरेंज किया इस कंडीशन में ये ग्रिप्स हॉरिजॉन्टल थे और हर ग्रुप में सेवन एलिमेंट्स थे तो आप जैसे देख देख सकते हैं कि जिस तरह से म्यूजिक में सात स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी और नी के बाद सा जो होता है वो फर्स्ट सा के सिमिलर होता है उसी तरह से जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस जैसे कि हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो एर्थ एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है इस क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि जितने भी एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए उसको इस ऑक्टिव टेबल में अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जैसे कोबाल्ट निकल और आयरन इनकी प्रॉपर्टी सेम थी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी तो वो मेटेलिक हैं लेकिन इनको फिर भी अलग अलग ग्रुप में रखा गया था इसके अलावा इसके अलावा न्यूलैंड सिर्फ कैल्शियम तक एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर पाया और कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स uh, इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे दैट मीन्स एवरी एर्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टिव्स सो कैल्शियम के बाद ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा था जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है और ये कैल्शियम है कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही थी इसके अलावा इसके अलावा Uh, इस पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी जो बाद में डिस्कवर हुए थे इनर्ट गैसेस जैसे कि हम जानते हैं हीलियम नियॉन आर्गॉन ये गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी इनकी डिस्कवरी बाद में की गई थी और इनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी तो न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टिवस की जगह बाद में मैंडलीवस के पीरियोडिक टेबल ने ले ली थी जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे